देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एस पी पैरेलल टू आर क्यू है, दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे देखो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, क्लियर है। तो हमको पता है जब दो लाइन्स ऐसे पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल जाती हैं, तो इन दोनों एंगल्स जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल क्या जा रही है, एस आर जा रही है। एस आर इज अ ट्रांसवर्सल हेयर, ठीक है, ठीक। तो तुम कह सकते हो एंगल एस प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। आर कितना गिवन है, देखो यहाँ पे आर 90 डिग्रीज गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल आर, आर कितना है 180 गिवन है, सॉरी 90 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है एस प्लस आर इज इक्वल टू 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। रीजन हमेशा दो किस क्या लॉजिक लगाए, तो यहाँ पे तो आपके पास एंगल एस आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे पी निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका देखो, फिर अगेन वी सी दैट एस पी, दो तरीके, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, एस पी आर क्यू के पैरेलल है, ठीक। यहाँ से देखो पी क्यू ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। फिर से वही लॉजिक लगा सकते हो कि को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्या कह दोगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल पी कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल क्यू, 180 माइनस क्यू कितना है, 130, तो यह आ जाएगा 50 डिग्रीज, ठीक। अब देखो एक और तरीका है, ठीक है, वो तरीका क्या है कि अगर तुम्हारे पास मानो एस आ गया, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड आउट एंगल पी, तो तुम कैसे निकालोगे, हमको पता है हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते हैं। देखो पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी लिख सकते हो, तो ट्रेपेजियम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ से देखो पी तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो एंगल पी हो जाएगा, क्यू कितना है 130, आर कितना है 90, एस कितना है 90, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से तुम सबको इधर लेके आ, सॉरी ये 360 हो जाएगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा 360 के इक्वल होगा, ठीक। यहाँ से तुम सबको उधर लेके आओगे तो तुम्हें कितना आंसर मिलेगा, यू विल गेट द आंसर एज 50 डिग्रीज। तो देखो दोनों तरीके से तुम्हारे पास एंगल पी जो है वो 50 डिग्रीज ही आया, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।